दोस्तों नमस्कार, आज हम प्रयागराज में पहुँचे हैं, विधानसभा फाफा मऊ में है और गाँव उल्दा है, जहाँ पे धर्मेंद्र कुमार BDC हैं। वो BDC के द्वारा जो है एक निर्माण किए हैं, जो गांव को एक उपहार के रूप में दिए हैं, वो है टैंकर, पानी का टैंकर। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से, ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे ये टैंकर को लेकर। यहाँ पे जो है धर्मेंद्र सरोज ने अपने द्वारा ये टैंकर को निर्माण किया है, ये टैंकर को दिखा दीजिए आप। जो है सबसे पहले जो है हम धर्मेंद्र जी से ही बात करेंगे, तो धर्मेंद्र जी आप सामने आइए। इस टैंकर के बारे में आप दो शब्द रखिए, क्या सोचकर आपने इसका निर्माण किया है गांव के लोगों के लिए? मैं ये सोच के काम किया हूँ कि हम ग्राम सभा उल्दा से आते हैं और यहाँ के बहुत सारे BDC आए या ब्लॉक प्रमुख आए, हमारे ग्राम सभा के लिए कोई भी ना ब्लॉक प्रमुख कोई काम किया, एक भी काम नहीं किया, और ना तो BDC बस बातें हैं कि पैसा पाते हैं या क्या क्या बात करते हैं लोग। तो हमने कहा कि स्वेच्छा से प्रमुख जी से मिल के तो यही विचार बनाया कि सब के सब समाज में, सारे समाज में एक काम होना चाहिए कि सबको काम आए। अच्छा, ये जो निशुल्क वाला रूप है आपका जी, ये कहाँ तक रहेगा, आपके गांव तक सीमित? नहीं नहीं, हमारे गांव के लिए स्पेशली तो बना ही है, लेकिन जिसको ही जरूरत पड़ेगी पूरे विधानसभा में पूरे जगह जा सकता है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने सुना कि निशुल्क के रूप में पूरे विधानसभा में जा सकता है, तो आइए हम बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जो है मनोज पांडे जी साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आप जो है टैंकर के लिए दो शब्द अपनी भी बात रखिए। देखिए, टैंकर एक बहुत पवित्र काम है, धर्म का काम है, किसी को जल देना, जल जो है जल ही जीवन है, ऐसा स्लोगन है, ऐसा कहा गया है। तो जल की व्यवस्था धर्मेंद्र जी ने की है, तो निश्चित तौर पर हमको आज इन पर घमंड है, मतलब इन पर मुझे घमंड है, इस बात का गर्व है, घमंड कहिए उसको, उसको सकारात्मक, घमंड को नकारात्मक नहीं लीजिए, मतलब इतना हम उत्साहित है कि मुझे इन पर बहुत घमंड है, नाज है इन पर कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे BDC ऐसी सोच रखते हैं। निश्चित तौर पर इनके लिए, इनके गांव के लिए, इनके लिए, धर्मेंद्र जी के लिए मेरी तरफ से इतनी बड़ी शुभकामना है, ईश्वर इनको भविष्य में सामाजिक कार्य की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दें और ये समाज के लिए, इनको सामाजिक कार्य के लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दें, क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं सरकार करती हैं, सरकार की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था करना इन्होंने निजी तौर पर इन्होंने, इनकी सोच आप देखिए, इनकी सोच निजी तौर पर इन्होंने एक टैंकर का निर्माण करवाया, बनवाया नया टैंकर, और नया टैंकर बनवा के समाज को समर्पित किया, तो निश्चित तौर पर ये समाज के लिए है। और आज के पहले जो धर्मेंद्र के लिए मन में हमारी इज्जत ही भाव था, उसमें कई गुना वृद्धि हुई आज की बात, यहाँ तो मुझे बहुत गर्व है और धर्मेंद्र जी के लिए अच्छा है। और धर्मेंद्र जी ने की एक और बड़ी सोच कि गाँव तक नहीं सीमित है, इसको इन्होंने धर्म से जोड़ा, तो धर्म से जोड़ा तो इन्होंने कहा जहाँ जिसको ज़रूरत है टैंकर ले जाए। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं धर्मेंद्र जी, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप धर्मेंद्र जी के पास तक पहुंचे हैं और इनके इनके किए गए कार्यों की मैं सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। जिस तरह से आप लोगों ने सुना, दो लाइन के रूप में मनोज पांडे जी जो है अपनी बात रखें, और हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनके लिए क्या ये अच्छा पड़ेगा, कितना अच्छा पड़ेगा, उनसे भी बात करेंगे। तो आप आगे आ जाइए, आपसे भी बात करना चाहेंगे। जो है ये टैंकर भी, टैंकर जरा फिर से दिखा दीजिए आप, इस टैंकर के बारे में आप क्या सोचते हैं, निर्माण किया है धर्मेंद्र जी ने? हमको बड़ी खुशी है, हमारे ग्राम में तो BDC ने बहुत जीते हैं, मगर इन्होंने अपार अपनी नाम पैदा कर दिए हैं, हम इनके कारों से बहुत प्रसन्न हैं और खुश हैं कि हमारे गांव में खुशहाली होगी, शादी विवाह पड़ेगा, किसी का दुर्व्यवहार नहीं हो पाएगा कि जल से संकट होगा, जल से सब खुश रहेंगे, इसलिए टैंकर से और धर्मेंद्र से हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि जो बनवा दिए और हमारे निःशुल्क में इनका नाम पैदा हो। और हमारे जी ये पांडे जी, हम इनसे जो है हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि हमारी शुभकामना ये है कि हम भैया जी को विधायक बनाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का। जिस तरह से आप लोगों ने अभी सुना है, 2022 के चुनाव को लेकर भी बात यहाँ पे हुई कि यहाँ की जनता जो है, जो अभी यहाँ ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं मनोज पांडे, उनको विधायक के रूप में भी देखना चाहती है। तो हम फिर से चाहेंगे ब्लॉक प्रमुख जी से कि दो शब्द और रखें इनके। अब ये सब देखिए, गांव का स्नेह है, प्रेम है, गांव की लोगों की भावनाएं हैं,
अगर ये हमारे लिए ऐसी भाव रखते हैं, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मुझे देने के बारे में सोचते हैं, तो मैंने भी संकल्प लिया है कि समाज को हमेशा जोड़ के चलने का काम करेंगे, समाज में भेदभाव नहीं रखेंगे, समाज को एक समान देखकर समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। ऐसा संकल्प मेरा भी है और हम धन्यवाद देते हैं गांव के लोगों को, और गांव के लोगों को ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि यदि आपने मौका दिया और हमको काम करने का अवसर मिलेगा तो धर्मेंद्र जैसे काम हम भी करेंगे, सीख के अच्छा काम करेंगे। इसी लाइन में हम और भी जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है। अब रणनीति कोई स्पेशल चुनाव के लिए नहीं बनाई जाती है, क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में लगातार बना हूँ निरंतर 15-20 वर्षों से, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रणनीति बनानी है। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों के आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, उनके समस्याओं को सुनता रहता हूँ, जो हो सकता है काम करता रहता हूँ, इतना पर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि चुनाव की कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, जनता के बीच में बराबर हम बने हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, अभी अभी सुनने को मिला, चुनाव लड़ने के लिए जो है यहाँ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनोज पांडे जी ने कहा कि हमें रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है और चुनाव को हम देखेंगे अपनी नज़र से। तो इसी के साथ चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।